नाहमिया बारवां बाब। वो काहिन और लावी जो जोरबाबल बनी सालतियल और यशु के साथ गए सो ये हैं, सेराया, यर्मिया, अज़रा, अम्रिया, मालूक, हतोश, सिखनाया, रेहोम, मरिमोत, एदू, जनतु, एभाया, मियामीन, मिधाया, बेलजा, समिया और युयारेब, यदुआया, सलो अमोक, खेलकिया, यदुआया। ये यशु के दिनों में काहिनों और उनके भाइयों के सरदार थे और ये लावी थे, यशु, बनवी, कदमियल, सेरभिया, यहूदा और मितनाया, जो अपने भाइयों समेत शुक्रगुजारी पर मुकरर थे, और उनके भाई बकू, भुकाया और अनु उनके सामने अपने अपने पहरे पर मुकरर थे। और यशु से यो योकेम पैदा हुआ और यु योकेम से अलियासब पैदा हुआ और अलियासब से यदु पैदा हुआ और यदु से योनतन पैदा हुआ और योनतन से यदु पैदा हुआ। और यु योकेम के दिनों में ये काहिन आबाई खानदानों के सरदार थे, सेराया से मेराया, यर्मिया से हनानिया, अज़रा से मुसालिम, अम्रिया से यहूहनान, मलकू से योनतन, सबनिया से यूसुफ, हारेम से अदना, मरियोत से खलकी, अदू से ज़िक्रिया, जनुतोन से मुसलाम, अभिया से ज़िक्री, बिन्यामीन से मुहादिया से फिलेती, बिलजा से समू, समिया से यहुनतन, यू यारेब से मतनी, यदहाया से उजी, सली से कली, उमाक से एबर, खिलकिया से हिसाबिया, योधाया से नतनियल, अलियासब और यू युदा और योहनान। और युदा के दिनों में लावियों के आबाई खानदानों के सरदार लिखे जाते थे। और काहिनों के दारा फारसी की सल्तनत में बनी लावी के आबाई खानदानों के सरदार योहनान बिन अलियासब के दिनों तक तवारीख की किताब में लिखे जाते थे। और लावियों के रईस हिस्बाया, सरभिया और यशु बिन कदमियल अपने भाइयों समेत आमने सामने बारी बारी से मर्दे खुदा दाऊद के हुक्म के मुताबिक हम्द और शुक्रगुजारी के लिए मुकरर थे। मिथनाया और बकू बुखाया और अब्धाया और मुसलाम और तलमोन और अकूब दरबान थे, जो फाटकों के मखजनों के पास पहरा देते थे। ये यू योकेम बिन यशु बिन यूसदक के दिनों में और नहमिया हाकम और अज़रा काहिन और फिकिया के दिनों में थे। और यरूशलेम की शहर पनाह की तकदीस के वक्त उन्होंने लावियों को उनकी सब जगहों से ढूंढ निकाला कि उनको यरूशलेम में लाएं, ताकि वो खुशी खुशी झांझ और सितार और बरबत के साथ शुक्रगुजारी करके और गाकर तकदीस करें। सो गाने वालों की नस्ल के लोग यरूशलेम के गिर्दोनवा के मैदान से और नतुफातियों के देहात से और बैतल जजाल से भी और जिबा और अजमाउत के खेतों से इकट्ठे हुए, क्योंकि गाने वालों ने यरूशलेम के गिर्दा गिर्द अपने लिए देहात बना लिए थे और काहिनों और लावियों ने अपने आप को पाक किया और उन्होंने लोगों को और फाटकों को और शहर पनाह को पाक किया।
तब मैं यहूदा के अमीरों को दीवार पर लाया और मैंने दो बड़े गौल मुकरर किए जो हम्द करते हुए जलूस में निकले, एक उनमें से दाहने हाथ की तरफ दीवार के ऊपर ऊपर से कूड़े के फाटक की तरफ गया और ये उनके पीछे पीछे गए, यानी होसिया और यहूदा के आधे सरदार अज़रिया, अज़रा और मुसालम, यहूदा और बिन्यामीन और समिया और यर्मिया और कुछ काहिन ज़ादे नरसिंगे लिए हुए, यानी ज़िक्रिया बिन योनतन, बिन समिया, बिन मिथनाया, बिन मिखाया, बिन ज़कोर, बिन आसफ और उसके भाई समिया और अज़रियल और मेलली और जलली और माई और नथनियल और यहूदा और हनानी मर्दे खुदा दाऊद के बाजों को लिए हुए जाते थे और उज़रा फिकिया उनके आगे आगे था और वो चश्मा फाटक से होकर सीधे आगे गए और दाऊद के शहर की सीढ़ियों पर चढ़कर शहर पना की ऊंचाई पर पहुंचे और दाऊद के महल के ऊपर होकर पानी फाटक तक मशरिक की तरफ गए और शुक्रगुजारी करने वालों का दूसरा गौल और उनके पीछे पीछे मैं और आधे लोग उनसे मिलने को दीवार पर तनूरों के बुर्ज के ऊपर चौड़ी दीवार तक और इफ्राइमी फाटक के ऊपर पुराने फाटक और मछली फाटक और हननियल के बुर्ज और हिमाया के बुर्ज पर से होते हुए भेड़ फाटक तक गए और पहरे वालों के फाटक पर खड़े हो गए। सो शुक्रगुजारी करने वालों के दोनों गौल और मैं और मेरे साथ आधे हाकम खुदा के घर में खड़े हो गए और काहिन अलियकेम, मिसाया, मिन्यामीन, मिखाया, अलियोनी, ज़िक्रिया, हनानिया नरसिंगे लिए हुए थे और मिसाया और समिया और अलीजर और उजी और यहू हन्नान और मेलेकिया और एलाम और उजर अपने सरदार गाने वाले अज़रखिया के साथ बुलंद आवाज से गाते थे और उस दिन उन्होंने बहुत सी कुर्बानियां चढ़ाई और खुशी की, क्योंकि खुदा ने ऐसी खुशी उनको बख्शी कि वो नहायत शादमान हुए और औरतों और बच्चों ने भी खुशी मनाई। सो यरूशलेम की खुशी की आवाज दूर तक सुनाई देती थी। उसी दिन लोग खजाना की और उठाई हुई कुर्बानियों और पहले फलों और दैयकियों की कोठड़ियों पर मुकरर हुए, ताकि उनमें शहर शहर के खेतों के मुताबिक जो हिस्से काहिनों और लावियों के लिए शरा के मुताबिक मुकरर हुए उनको जमा करें, क्योंकि बनी यहूदा काहिनों और लावियों के सबब से जो हाजिर रहते थे खुश थे। सो वो अपने खुदा के इंतजाम और तहारत के इंतजाम की निगरानी करते रहे और गाने वालों और दरबानों ने भी दाऊद और उसके बेटे सुलेमान के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया, क्योंकि कदीम जमाना से दाऊद और आसिफ के दिनों में एक सरदार मुगनी होता था और खुदा की हम्द और शुक्र के गीत गाए जाते थे और तमाम इसराइल ज़रुब्बाबल के और नहमिया के दिनों में हर रोज की जरूरत के मुताबिक गाने वालों और दरबानों के हिस्से देते थे। यूं वो लावियों के लिए चीजें मखसूस करते और लावी बनी हारून के लिए मखसूस करते थे।